क्या राय है पठानकोट को लेकर, चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की डोर पठानकोट में उलझेगी या उसके आगे देखेगी, चर्चा इस पर भी हो रही है। लेकिन इन सबसे पहले 40 मिनट पहले देश के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगभग 22 से 23 मिनट तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें निकल कर आई है। छोटा सा हिस्सा हम आपको पहले उसका सुनवाते हैं। ऑपरेशन होने के बाद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन NIO को करने दो, किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा। और उसके बाद वंस द ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑफ वी विल टेक द कॉल ऑन एनी अदर इश्यूज। इन दिस ऑपरेशन 6 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज। दो जन जो इनकी बॉडीज आज ये की है वो जल के काफ़ी डिस्ट्रॉय हुए, सो उनकी कन्फर्मेशन आफ्टर DNA टेस्ट डबल कन्फर्मेशन करनी पड़ेगी। लेकिन दो जगह बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जब कंटिन्यूस एक्सप्लोजन चल रहा था उसमें तो काफ़ी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन दो जगह मिली है, दो कोने में, तो उससे दोनों की बॉडी आइडेंटिफाई की गई है। और DNA टेस्ट से फाइनली NIA विल डेफिनेटली कन्फर्म दैट 6 नंबर। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गॉट अ रिप्लाई फॉर इट। BSF हैज ऑलरेडी आस्क फॉर द दिस द एरियाज विच वेयर फ्रॉम वेयर इट हैज बीन एंटर्ड, दे आर बीन आस्क टू एक्सप्लेन हाउ दिस पीपल हैव मैनेज टू कम। आई थिंक दैट इज ऑलरेडी कम इन द न्यूज पेपर। आई डोंट रिस्पॉन्ड टू BSF, डज नॉट कम अंडर मी। सी, आपको सिक्योरिटी के बारे में सब इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। थोड़ा इन्फॉर्मेशन मुझे भी मालूम है कैसे आए हैं, लेकिन आई कांट गिव इट ऑब्वियसली बिकॉज NIA इज इन्वेस्टिगेटिंग। एनीथिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन कैनॉट बी डिटेल्ड आउट। सम डिटेल आई कैनॉट एक्सप्रेस, लेट देम कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। आई कैन टेल यू दिस मच दैट दे हैव गॉट इनिशियल लीड्स, हाउ दे हैव कम एंड फ्रॉम वेयर दे हैव कम, सो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, लेट देम कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्फॉर्मेशन मिली, जितने वक्त तक मिली, उस दौर में जो तैयारी थी, जिस रूप में तैयारी थी, उसको लेकर लगातार पिछले 3 दिनों से सवाल उठ रहे हैं। जयदेव रानड़े साहब, फॉर्मल एडिशनल सेक्रेटरी रॉ, इन्फॉर्मेशन का मिलना खुफिया एजेंसियों के जरिए और वो पास ऑन किया गया, सेना तक पहुंचा, देश तक पहुंचा, जो भी था, लेकिन जो एंट्री हुई उसमें सिविलियन से नहीं टकराए टेररिस्ट, स्टेट पुलिस से टकराए। पुलिस ने जानकारी दे दी, बात आगे दिल्ली तक पहुंच गई। ऑपरेशन शुरू होने से पहले NSG वहां पहुंच चुकी है, रात के 11 बजे, 2:30 बजे से ऑपरेशन शुरू हो रहा है। यानी एक पूरी तैयारी है, जहन में है। जो कंट्रडिक्शंस है शंकर प्रसाद साहब बतला रहे थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना, इसके आगे भी कुछ किया जा सकता है क्या, या ये एक बिल्कुल सेटल चीज थी जो अनसेटल होकर निकल रही है, कैसी नहीं है? ऐसा है कि जब इंफॉर्मेशन मिलती है और जब आगे पास ऑन किया जाता है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको ट्रैक करती रहती है ताकि सिचुएशन में कोई बदलाव आए या ना आए, और उसके बाद जब अटैक हो या जब ये लोग पकड़े गए तो उसके बाद भी वो ट्रैक करते रहते हैं कि कुछ और खबर आ रही है कि नहीं आ रही है, इंटेलिजेंस आ रही है कि एक्शन नहीं। तक उनकी सक्रियता रहती है, बिल्कुल। ओके, तो या ये टेक्निकल मीन से आई हो या ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से आई हो, जो भी हो, ये ट्रैकिंग हमेशा जारी रहती है। इस केस में जब ये लोग आ गए, इसके पहले ही, पहले आपको मैं ये बताऊं कि 1 साल से चर्चा हो रही है कि JAISH-e-MOHAMMAD जो है बहुत एक्टिव होने को जा रही है और एक्टिवेट हो चुकी है, पाकिस्तानी फौज ने एक्टिवेट किया उसको। दूसरी बात कि जब ये लोग आए, ये काफ़ी दिनों से पता था कि तैयारी हो रही है, फिर ये बताया गया कि ये लोग अंदर आ गए हैं, मेरे ख्याल से 7 से 15 लोगों का कोई फिगर था, और पठानकोट ये एयरबेस टारगेट है। उसके बाद जब ये लोग आए, जब वो SP की गाड़ी उन्होंने छीनी, तभी भी कोई कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और फिर ये लोग अंदर घुसे, तो नेचुरली लैप्सेस तो हुए हैं। पर इसके बाद अभी जो कह रहे हैं कि पूछताछ करेंगे पाकिस्तान के साथ ये जुड़े हुए हैं कि नहीं है, तो आए कहाँ से, वहाँ से ही तो आए हैं। 45 kg तो इक्विपमेंट कहाँ देख रहे हैं, सिविलियन पुलिस में या एयरबेस के भीतर, लैप्सेस कहाँ देख रहे हैं? लैप्सेस जी, पहले तो वो अंदर आ सके, वो एक एरिया है।
दूसरा जब वो एसपी की गाड़ी ली उन्होंने और उसने इंफॉर्मेशन दी तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, वो एक एरिया देखने लायक है। और तीसरे वो अंदर घुसे कैसे बेस के अंदर, जब बेस के कमांडर को और बाकी के लोगों को पता था कि अटैक होने वाला है तो फिर उन्होंने हिफाजत क्यों नहीं की बेस की। तो ये तीन जगह तो क्लियर लैप्सेस नजर आ रहे हैं। फॉर्मर आईजी हैं पंजाब के सी पॉल साहब, हम इस घेरे में सबसे आखिर में आपके पास क्यों आए, बड़े साफ है नीले रंग की बत्ती रहती है एसपी की गाड़ी पर, वो कंटिन्यूअसली इंटरव्यू दे रहे हैं कल से और आज भी दे रहे हैं कि मैंने अपने आप को एक आम आदमी की तरह पेश किया। अभी अभी रक्षा मंत्री ने कहा कि लगभग 40 से 50 केजी तो बुलेट्स चले हैं, इसका मतलब वो भी बुलेट्स और हैंडग्रेनेड के साथ थे, हथियारों के साथ थे। स्थिति क्या है पंजाब के भीतर, वह भी सीमावर्ती इलाके में, जबकि पूरे पंजाब को लेकर दिल्ली के नहीं पार्लियामेंट के भीतर ड्रग्स को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, सीमा पार से लेकर खड़े हुए हैं। और अब पूछताछ तो एनआईए भी करेगी, सतविंदर जो वहां के एसपी हैं उनसे पूछताछ करेगी उनकी प्रेस को, तमाम प्रेस से बातचीत के बावजूद भी, लेकिन लूपोल्स आपको सिविलियन में नजर आ रहे हैं या ऑपरेशन में नजर आ रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात है, जैसे हमारे दूसरे वक्ता ने कहा कि लूपोल वहीं से शुरू हुआ जब से इनकी अंदर एंट्री हुई। एंट्री के टाइम पे वो खुद कह रहे हैं कि दो बॉर्डर बीएसएफ की पोस्ट के 130 मीटर का फर्क होता है, मैन टू मैन जो है 130 मीटर एरिया को वो थर्मल इमेजेस से कवर करते हैं और वो रावी के एरिया से पास होकर और थर्मल इमेजेस उनको बुला, ये चीज़ उसी एरिया से जो पीछे दीनानगर में हुआ जुलाई में, उसी रावी के उसी एरिया से उसी जगह से आए, आई मीन एक 10-2 किलोमीटर दूर की बात नहीं मैं कह रहा, मतलब वही रावी का एरिया, वही बोमियाल का एरिया और वही पठानकोट दीनानगर का एरिया। सबसे पहली बात है कि उसके बावजूद भी इन्होंने थर्मल इमेजेस के वर्क नहीं कर रहे थे, ये कह के हमारी पोस्ट में, तो इसमें फर्स्ट तो लैप्स यही है कि अंदर आने का फर्स्ट। सेकेंड है जहाँ तक जैसे मोहम्मद का तल्लक है, एक और साहब ने कहा जैसे मोहम्मद इज़ ए वेरी वेरी सुसाइडेड है, उनके फिदाई नहीं है, जब से ये अजहर साहब यहाँ से गए कंधार में हमने इनको हैंड ओवर किया, उस वक्त से सेकंड ईयर के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक किया, और ये पिछले साल की बात करता हूँ, इस साल की इन्होंने जितने अटैक किए पुलवामा में हुआ, कुपवाड़ा में हुआ, तंगधार में हुआ, ये सारे के सारे अटैक फिदाई इनके हुए और सब के सब अटैक आर्मी के बेसिस के ऊपर हुए। तंगधार एरिया में इन्होंने आर्मी के बेस के ऊपर अटैक किया, उसके बाद आगे कुपवाड़ा के जब गए कुपवाड़ा में भी इन्होंने जो अटैक किया वहाँ भी एक रेजिमेंट के ऊपर अटैक किया और ए फदाइन जाते हैं दोबारा लौट गया उसी पॉइंट पे। हाँ। 6 महीने पहले उसी पॉइंट से एंट्री होती है, मैं आप कर सकता हूं। और 6 महीने बाद भी उसी पॉइंट से, तो इसका तो फर्स्ट लैप्स नो सेकंड, ये फर्स्ट लैप्स सबसे बड़ा लैप्स, सेकंड लैप्स यानी किस देश किस दिशा में है ये समझना होगा। ये सेकंड लैप्स देखिए, सेकंड लैप्स है, चलो एसपी ने वो एनआई बताएगी कि एसपी का क्या कसूर है, एसपी को वो असिस्टेंट कमांडर रैंक का आदमी था, सिविल में था, ही वाज नॉट द एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसकी व्हीकल को हो गया अबडक्ट हो गया, ले गए उसको उतार दिया, उसमें डिस्टेंस कितना है 34 किलोमीटर का सिर्फ डिस्टेंस है जहां से वो गया और उसके बाद एक मिनट में रख अकाल का इंस्पायर के सहयोग के एंट्री हो सकती है नहीं, मैं आपको कहता हूँ उसके डिस्टेंस में चेक पोस्ट कितनी है, वो 34 किलोमीटर एरिया कितनी देर में कवर हो सकता है। उसके बाद ये है कि जब ये टेंजिबल एविडेंस आ गई कि वो जा रहे हैं एयरफोर्स बेस में, तो वो एक ये खबर मिली इनको थर्सडे ना शाम को, और फ्राइडे और सैटरडे मॉर्निंग और रात को इन्होंने अटैक अंदर गए, तो इसका मतलब इन्होंने जो सेंट्रल एजेंसी से एनएसजी को इन्होंने फ्राइडे को भेज दिया, अटैक सैटरडे को फ्राइडे से, तो इन्होंने एनएसजी को भेज दिया, उन्होंने जाकर टेक्निकल एरिया को इमीडिएटली, 100 आदमी थे मैक्सिमम टेक्निकल एरिया को कवर कर सकते थे जबकि इतना बड़ा एरिया है। उस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस सिलसिले में वहां से कुछ किलोमीटर वहां पे कोर हेडक्वार्टर है आर्मी का, देयर इज ए आर्म, दिस इज ए आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, एयरफोर्स इज ऑल्सो आर्म फोर्स, तो इसमें डिफेंस का क्या मतलब है, एकदम अगर कोर हेडक्वार्टर है वो आकर पेट्रोलिंग कर सकता था, एंटायर एरिया कुड बी पेट्रोल। फिर तीसरी बात आई एनएसजी है, ओके इट इज मैंट आई नो ऑल्सो एनएसजी, ये सब जानते हैं, मैं एनएसजी भी लेके गया पंजाब में, तो एनएसजी ने पहले यही कहा था हमें कि हम तो सब हमें बता दीजिए कहाँ अटैक करना है, मैंने कहा मैं ये नहीं बता सकता कहाँ अटैक करना है, यहाँ तो पेट्रोलिंग है फोकल पॉइंट है, वो कहते ये हमारा काम नहीं, फिर भी इनको भेजा गया, ये पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, नहीं है फोर्स भेज दिया।
भेजने तक महदूद नहीं है, भेज दिया ठीक है, इमीडिएटली उन्होंने टेक्निकल एरिया को कवर किया। जब ये इतना बड़ा पैरामीटर है और आपके कुछ किलोमीटर के ऊपर कोर हेडक्वार्टर है, व्हाई डोंट यू आस्क कोर हेडक्वार्टर के कवर द एंटायर एरिया टू। थर्ड, अभी इसमें थर्ड, अब आप एनआई कह रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्या करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द वल्नरेबिलिटी, वेयर इज द वल्नरेबिलिटी, फ्रॉम वेयर दे हैव कम? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विल गो इनटू डिटेल्स, इनके एविडेंस क्या है, पाकिस्तान को सप्लाई करेंगे हम एविडेंस, ये एविडेंस करेंगे वहां से आए हैं, यहाँ इसमें किसका कॉन्स्पिरेसी का एंगल है? देखिए बहुत कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण निकल के आ गई। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम उस डिप्लोमेसी में जा रहे हैं जिस डिप्लोमेसी ने सरकार को समझाया, या सरकार उस डिप्लोमेसी के जरिए समझना चाहती है, लेकिन देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान से आप बातचीत तो कर रहे हो, लेकिन जो टेररिज्म पर पाकिस्तान गवर्नमेंट का हाथ नहीं है और वो जब भारत में बार बार घुसेगा, तो इन लैप्सेस को आप पहले पूरा कर लो तब बातचीत करो, या फिर बातचीत भी होती रहेगी और ऐसे अटैक भी होते। पारसार्थी, अब दोबारा हम आपके पास आ रहे हैं इस पूरे सर्किल को घुमाते हुए। अगर लैप्सेस इस रूप में देश के भीतर मौजूद हैं, ऐसे में पाकिस्तान के साथ बातचीत करना और टेरर को कंटिन्यूसली इन्वाइट करने की पोजीशन में भी भारत अगर खड़ा रहेगा, तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा कदम हमें उठाना चाहिए? क्या आपको लग नहीं रहा है कि 6 महीने पहले जिस राज्य जिक्र हो रहा है उसी रास्ते से आते हैं, आप नहीं रोक पाते हैं? उन्होंने बहुत आपत्ति की कि 24 किलोमीटर आप इस देश के भीतर में एक हिस्से को, एयरबेस को नहीं सिक्योर कर सकते हैं, तो बड़े क्षेत्र को आप क्या करोगे? हमने भी सवाल खड़ा किया कि मल्टी टारगेट लेकर अगर वो चलेंगे मल्टी सिटीज़ को, तो फिर आप क्या करेंगे? इन सवालों का जवाब में क्या डिप्लोमेसी इंटरनल सिक्योरिटी को देखने की स्थिति में रहती है तब? क्योंकि पाकिस्तान बाकी पड़ोसियों जैसा नहीं है, एक सोशल रिश्ते भी है। देखिए, अगर आपके अंदरूनी सुरक्षा नीति सही ना रहे तो आप कूटनीति से कुछ निकाल नहीं सकते। कूटनीति जब सफल होता है, जब आपके देश की सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो मजबूत हों, वो सतर्क हों और वो उनके पास क्षमता हो मुकाबले करने के लिए। जयदेव साहब ने कहा, जिक्र किया है जैश ए मोहम्मद के बारे में। हमें याद ये रखना चाहिए कि जैश ए मोहम्मद जो है वो बना कैसे? बना जब हमने जैश मौलाना मसूद अजहर को रिहा किया कंदहार में, उसके बाद उनके दो भाग हो गए, एक अजहर के साथ और दूसरा, और अजहर ने हमारे जो संसद में हमला हुआ जैश ए मोहम्मद ने किया, ये उनके डायरेक्टर जनरल, पूर्व डायरेक्टर जनरल एसआई ने स्वीकार किया कि मौलाना अजहर ने हमारे पार्लियामेंट पर हमला किया। लेकिन दूसरी बात, उनका एक गुट जो है वो तहरीके तालिबान से मिला और उन्होंने मुशर्रफ साहब के कत्ल के हत्या के षड्यंत्र में रचे थे। तो हमें इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, पाकिस्तानी और जनरल जंजुआ इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। जैश ए मोहम्मद के दो गुट हैं, एक तालिबान समर्थित और एक आईएसआई के नीचे, जो बावलपुर में हैं मौलाना मसूद अजहर साहित, वो आईएसआई के नीचे हैं। तो जो भी संदेश वहाँ गया है यहाँ से, हमें ये नहीं, इसका मतलब यह है कि अब नवाज शरीफ जब निर्देश दे रहे हैं, नवाज शरीफ कुछ भी कहें, तो वो राहिल शरीफ नहीं मान रहे हैं, वो आईएसआई चीफ नहीं मान रहे हैं। नहीं नहीं, एक आईएसआई चीफ राहिल शरीफ का विरोध नहीं कर सकते, ये पाकिस्तानी फौज के बाद आप समझ लीजिए कि सेना अध्यक्ष का कोई विरोध कोई नहीं कर सकता। तो अब भी मतभेद हैं उन दोनों के बीच, हमें याद रखना चाहिए। ये कहना कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लाहौर नहीं पहुंच पाए समय में, इसका अगर आप विशेष मान लें तो यू मस्ट गेट योर हेड एग्जामिन्ड। तो बात यह है कि अब भी मतभेद हैं, इस मतभेद के बीच हमारी कूटनीति चलाना कैसे चलाएं, ये सबसे मुख्य कारण है। और मैं समझता हूं जब यह सबूत हमें मिलता है, सिर्फ पाकिस्तानियों को देने से कुछ फायदा नहीं, सारी दुनिया को देकर उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लाने की जरूरत है। ओके, ये होगा सफल कूटनीति। यानी आप इस पक्ष में हैं कि बातचीत चले और सबूत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिए जाए? नहीं, जहां तक मुझे मालूम है दोनों पक्षों के साथ बात करके
जो थाईलैंड में बात हुई दोनों कह रहे हैं कि बहुत बहुत खुश हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ खुश हैं तो देखें कैसे आगे ले जाएं उसे। तो बात यह है कि कूटनीति जो है उतनी आसान नहीं है, और अगर देश के सुरक्षा अंदरूनी सुरक्षा बिगड़ जाए तो कूटनीति से कुछ काम नहीं। प्रधानमंत्रियों की मुलाकात, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बात, और इन सब के बीच पठानकोट, और उसके बाद फिर टेलीफोन पर संवाद। कैसे सिंह साहब, डिप्लोमेसी कहती है कि बातचीत चलती रहनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी कहती है कि पहले खुद को आप सुरक्षित बना लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ देखिए, क्योंकि वहां पर जो आतंकवादी संगठन है उस पर नकेल कसने की स्थिति वहां की चुनी हुई सरकार की नहीं है। अब यह सवाल है, नवाज शरीफ कुछ भी कहें, प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ के आसरे जो भी भरोसा दे, देश के भीतर भरोसा नहीं जाग रहा है, ये एक सच है। इससे इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री की जो नीति रही है, जब वो इलेक्शनरिंग मोड में जाते हैं देश के अंदर तो कुछ और तरह की बात होती है, फिर एकदम डिप्लोमेसी में जाते हैं तो कुछ और तरह की बात। देश को समझाया नहीं गया कि आप उतार चढ़ाव आपका पाकिस्तान के साथ क्यों है। आपने कहा ये हुर्रियत को मिल रहे हैं, अब उन्होंने तो कोई सर्टिफिकेट हिंदुस्तान को लिख के नहीं दिया कि हुर्रियत को नहीं मिलेंगे वो। आपने कहा आतंकवाद हमारा मुद्दा है, अब आतंकवाद भी उनकी फौज ने दिखा दिया कि आतंकवाद भी हम चलाएंगे जब बातचीत चलेगी। तो उसको वो एक ऐसी जगह ले आया है पाकिस्तान, लेकिन आपके पास है तरीका, और तरीका ये है कि आपने उसको दो हिस्से में कर दिया डायलॉग को। नेशनल सलाहकार जो NSA का डायलॉग है वो आतंकवाद पर है, फॉरेन सेक्रेटरीज उनकी फौज फॉरेन सेक्रेटरी के डायलॉग में दिलचस्पी रखते हैं, वो टेरर में दिलचस्पी नहीं रखते। तो जिस चीज़ में वो दिलचस्पी रखते हैं उसको आप धीमे कर दीजिए, उसको साथ भगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत बंद हो गई, इसका मतलब ये है आपने उनको अपनी प्रायोरिटी बता दी। देखिए, अगर आतंकवाद करेंगे तो एक बच्चे की तरह जैसे आप डील करते हैं तो उस टाइम उसको खिलौना मत दीजिए। उनको चाहिए CHN, उनको चाहिए कश्मीर पे बात, उसको थोड़ा पीछे हटा लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत टूट गई, बातचीत टेबल पे रखिए। फॉरेन सेक्रेटरी का जो बातचीत है उसको एक महीना आगे करिए या 3 महीने आगे करिए, या कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि कितना आगे करेंगे। आप कहें ये हमने आपको सारी चीज़ें दी हैं, ये लिंक है। नहीं, बेसिक पॉइंट पे आइए ना, क्योंकि आप बात मसला भी पाकिस्तान का एक मिनट छोड़ दीजिए, आपके यहाँ आपकी अपनी टीम क्या कर रही है। सवाल यहाँ से उठ रहे कि सेना सक्रिय नहीं हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री सक्रिय नहीं हुई, NSA सक्रिय हो गया है, देखिए ये मैसेज क्या है। वो तो आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सील कर देंगे, बॉर्डर नेपाल का खुला है, नेपाल को कर देंगे तो मुंबई में वो आपके समुंदर के तट से आगे। हिंदुस्तान के बॉर्डर्स इतने वल्नरेबल हैं, इतना बड़ा समुंदर का तट है कि शरारतबाज कहीं ना कहीं से तो शरारत करेगा। वो मुद्दा नहीं है। सिर्फ आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं टूटती, आतंकवाद के साथ तब बातचीत टूटती है जब वो सीधा उसका लिंक पाकिस्तान की स्टेट के साथ जाता है या फौज के साथ जाता है। तो इसलिए अगर उन्होंने आश्वासन दिया है, यानी आप पाकिस्तान के भीतर मुशर्रफ के बाद नवाज शरीफ जब आए, चूंकि वो चुनी सरकार, मुशर्रफ तो फिर भी मान लीजिए सेना से निकल कर आए थे, सवाल है आप नवाज शरीफ को बेस्ट प्लेयर मान रहे हैं या ऑप्शन नहीं है, हमें उन्हीं से बात करना है। देखिए, बात तो क्योंकि वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं उनसे ही, कोई दूसरा बात, लेकिन ये सोचना कि वो आपको कुछ जो फौज नहीं चाहती वो दे पाएंगे, ये गलत होगा। वो फौज के ज़्यादा अधीन है। पिछले साल जब उनको इमरान खान और कादरी ने इन पे हमला बोला, लोगों को इकट्ठे करके इस्लामाबाद ले गए, तो इनको फौज का सहारा लेना पड़ा। तो शरीफ का अपना जो उनकी प्रेस्टीज है पाकिस्तान फौज की, वो उस देश में ऊपर चली गई है मुशर्रफ के बाद। कराची में उन्होंने काबू डाल लिया है, जगह जगह उनकी फोटो लगी है, उनकी पब्लिक रिलेशंस, एक लेफ्टिनेंट जनरल उनका पब्लिक रिलेशंस का इंचार्ज है, आर्मी चीफ का। मैसेज ये आ रहा है रनर से, अब हम इसको जरा सा आगे ले जाएं, क्योंकि मैसेज ये आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है, हर फ्रंट पे वही है। जो होना चाहिए, पाकिस्तान को टैकल कैसे करना है, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हो, चाहे उनके जो मुश्किल को लेकर हो, क्या इन स्थितियों से टैकल भारत कर पा रहा है पाकिस्तान को अलग अलग फ्रंट्स पे? मेरे ख्याल से ये जो अब मौका मिला है इस सरकार को, देखिए बयान हमें ब्रेकिंग न्यूज आ गई है जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे, SP सलविंदर सिंह का बयान संदेहास्पद है, NIA DG शरद
कुमार ने यह बयान दिया है, जिस बात का जिक्र लगाते हैं, क्योंकि बार बार वो जो टेलीविजन के सामने आकर इंटरव्यू दे रहे हैं उस इंटरव्यू में भी इतने कंट्रडिक्शंस थे कि अब एनआईए की तरफ से भी कहा गया है कि उस एसपी से पूछताछ होगी और बयान संदेहास्पद है। राहुल, क्या जानकारी है? जी बोले। हाँ राहुल, राहुल बताइए क्या कहना है एनआईए का? आवाज आ रही है आपको? जी बोले बोले। हाँ, कह रहा हूँ उन बयानों को एनआईए बेहद सस्पिशियस मान रही है और उनका कहना है कि शक की निगाह से वो इन्हें देख रही है, क्योंकि लगातार तलविंदर सिंह गुरदासपुर के सुपरिंटेंडेंट के बयान बदल रहे हैं और बहुत जल्द एनआईए की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए गुरदासपुर पहुंचने वाली है। उनका कहना है कि किस तरीके से वो आतंकवादियों के संपर्क में आए, क्या हुआ जब वो आतंकवादियों के संपर्क में थे और इन्हें जो बार बार चलिए आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ राणे साहब, सवाल यह है कि टेररिज्म को क्या स्टेट पॉलिसी के तहत पाकिस्तान आपसे अपनी बार्गेनिंग पावर नहीं बढ़ा रहा है, ये ना मान लिया जाए? नहीं, जरूर वो आपकी स्ट्रेटजी को समझ रहा है और अपनी स्ट्रेटजी को ला रहा है आप पे। पाकिस्तान काफी सालों से कर रहा है और उनके जो इंटरलोक्यूटर्स हैं उन्होंने साफ साफ उनके इंडियन काउंटर पार्ट को कहा है कि जब चाहें हम टेररिज्म का ये इंटेंसिटी बढ़ा लेंगे और जब चाहें हम कर लेंगे। पर सोचने वाली बात ये कि मोदी जब गए थे पाकिस्तान तो उन्होंने बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया, बोल्ड इनिशिएटिव था जाने के, और कुछ न कुछ अश्योरेंस जरूर मिली होगी उनको मेरे ख्याल से, या उन्होंने असेसमेंट की होगी अश्योरेंस की, और उसका जवाब अब मिला है पठानकोट में। जो मजार शरीफ में अटैक हुआ था उसके बारे में भी जानकारी अब मिलेगी कि किसने क्या है, किसने लॉन्च किया है। मेरे ख्याल से कोई अफगान तालिबान ने नहीं किया। स्ट्रेटजी भारत के सामने क्या? भारत के सामने बहुत साफ है। एक, ये जो हाइप जो बन रही है कि टॉक्स होए या ना होए, उसके प्रेशर के अंदर आके टॉक्स शुरू नहीं करना चाहिए। भारत को सिर्फ आतंकवाद के बारे में टॉक्स करने चाहिए, सिर्फ टेररिज्म। क्या स्ट्रेटजी बननी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि समय भारत से किस चीज से पीड़ित है। भारत पीड़ित है इस समय टेररिज्म से। रोज ये हो रहा है। आज तो आप पठानकोट की बात कर रहे हैं, रोज कश्मीर में हो रहा है, वहाँ भी जवान मारे जा रहे हैं, वहाँ भी पिछले हफ्ते कितने लोग। सर, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बात करें टेररिज्म पे पहले। हम ये नहीं कहते कि बाकी बातचीत मत करें, अवश्य करें, लेकिन पहले सबसे टेररिज्म पर बातचीत करें। हमारे पास एविडेंस है उसकी, उस एविडेंस को कोलेट करके उनके सामने पेश किया जाए। हमारे पास एक जिंदा टेररिस्ट अवेलेबल है इंडिया में उधमपुर के बाद, उसको उनके सामने पेश किया जाए कि ये देखिए आपका आदमी जिंदा है, इससे पूछिए कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसके टास्क थे, इसको कौन सपोर्ट करता है। तो पहली बात होनी चाहिए टेररिज्म पे बात, बात आगे भी चलती रहे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहली चीज़ जो हमें सता रही है टेररिज्म, टेरर को ही आपको रखना होगा सेंटर में, न्यूक्लियस वही होगा। देखिए, अभी सारसी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सरकार को भारत के अंदरूनी सुरक्षा के संदर्भ में लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। ये पूरी बातचीत और कूटनीति और इन सारे विषयों में उलझ करके कहीं ना कहीं हम सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी रक्षा मंत्री इंटरनल सिक्योरिटी सबसे पहले आपको ध्यान देनी। बिल्कुल, अभी रक्षा मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि रक्षा मंत्री बोले अब जान बची और लाखों पाए, कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे थे। इतना बड़ा हमला, भारत के संप्रभुता को इतनी बड़ी चुनौती दी गई है, देश का रक्षा मंत्री लोगों को विश्वास नहीं दिला रहा कि मैं इसका बदला लूंगा। रक्षा मंत्री बस जान बचा रहा है कि आपको नहीं मालूम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, 26 किलोमीटर पता नहीं क्या है। हम इतने कमजोर हैं, हमारे एयरफोर्स के बेस में आतंकवादी घुस गए, आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके चले गए और आपके आंखों में गुस्सा नहीं है आज? नहीं, एक मिनट, ये बात कर, चूंकि इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है, वो पॉलिटिशियन है ठीक है, लेकिन ये वाकई है कि बीजेपी के जो शब्द हुआ करते थे 2014 के चुनाव से पहले वो बदल गए। पाकिस्तान का नाम लेने से कतरा रहे हैं। एग्जैक्टली, जो भी है बदल गया। तीन दिनों में पाकिस्तान का नाम न तो किसी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री किसी ने नहीं लिया है। नितिन गडकरी ने अभी नितिन गडकरी ने जो बोला ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, कभी वाजपेयी जी बोले थे कि आर पार की लड़ाई लेंगे, आज तक हुई ही नहीं। ऑपरेशन शुरू होने वाले दिन राजनाथ सिंह जी का बयान कि हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहते हैं पर हम पर आक्रमण करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, कहां दिया? कहां दिया? नहीं, आप अभी आक्रमण हो गया, नितिन गडकरी जी का बयान है, तो इसलिए यह बात तथ्य से परे है कि हमारी भाषा या शैली में कोई बदलाव आया। हाँ, इस पूरे प्रकरण को
मैं मानता हूं इस पूरे विषय का नजरिया है जो रक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि लाख बच गए बस जी नहीं, रक्षा मंत्री इस समय देश के रक्षा मंत्री के रूप में उस जगह पे खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ सभी नाजुक और तकनीकी पहलुओं पर बोल रहे थे, वो कोई इस समय राजनीतिक व्यक्ति के रूप में नहीं बोल रहे थे, वो ऑपरेशन के संदर्भ में बोल रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया 25 किलोमीटर आप सुरक्षा दायरे में नहीं ले सकते हैं, उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही है। एक लाइन जोड़ देता हूं, ये रक्षा मंत्री का बयान नहीं था, ये रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता का बयान था। प्रवक्ता कैसे बोलता है और मंत्री कैसे बोलता है, हम एक मिनट जवाब ले लेंगे। आखिरी फेज में है, आपने बात कही, इस विषय को अगर हम थोड़ा डिवाइड करके देखें तो तीन डायमेंशन है इसके। एक तो है स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट, एक है डिप्लोमेटिक और एक है पॉलिटिकल। मेरे विचार से समाधान क्या होना चाहिए, पहले हम पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर बिल्कुल एकजुट हो जाएं, उसके अनुसार अपनी डिप्लोमेसी तय करें। फोर्सेस के पास पूरी क्षमता है कि वो स्ट्रेटजिक रूप से इन चीजों को डील कर सकती है। समस्या कहाँ आती है, जैसे अभी पारसार्थी साहब ने कहा था कि हम क्या इंटरनेशनल प्रेशर बना पाएंगे, निश्चित रूप से हमने बनाने के बहुत प्रयास किए। याद करिए यूनाइटेड अरब अमीरात में जाकर जो तालिबान को रिकग्निशन देने वाली तीन सरकारों में से एक थी, वहां अगर मोदी जी खड़े होकर ये बोलते हैं कि इन्होंने हमें भरोसा दिया, देर कैन नॉट बी ए गुड तालिबान और बैड तालिबान, तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बगैर पॉसिबल नहीं था। हाँ, मुश्किल क्या है, पॉलिटिकल मुश्किल है या स्टेट सेंटर के बीच मुश्किल? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, वो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है जिस पे आप कह रहे हैं, मैं अभी पॉलिटिकल एस्पेक्ट बात कर रहा हूं। अब याद करिए शर्मल शेख में जाके हम एक्सेप्ट कर लिए कि हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं, और समझौता एक्सप्रेस जैसे केस पे हमने पाकिस्तान को मौका दे दिया कि हमारे ऊपर वो बोले। याद करिए ये जनवरी का महीना था 2013 में, सुशील कुमार शिंदे एज होम मिनिस्टर हिंदू आतंकवाद वर्ड यूज कर देते हैं और हाफिज सईद वहां से सभा भी देता है। अगर इस ढंग की चीजों से एक बार की परिस्थिति मैं उसी पे आ रहा हूं, लोगों को विश्वास दिलाइए, मैं उसी पे आ रहा हूं माननीय, आज की परिस्थिति की बोल रहा हूं। आपके विदेश मंत्री रहकर सलमान खुर्शीद क्या बोल के आए पाकिस्तान, मणिशंकर अय्यर क्या बोल के, आपके रक्षा एक बार देश कम से कम दो, ऐसा लगता है रक्षा मंत्रालय का प्रवक्ता बोल रहा हो। माननीय रक्षा मंत्री, मैं आपसे ये कह रहा हूं कम से कम साहस दिखना चाहिए, दो बड़े दिखना चाहिए, कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ वो टेक्निकल पॉइंट और ये और वो बोल के निकल गए। पूरा देश जानना चाहता है कि मेरी सरकार क्या कर रही है, 56 साल देश पे हुकूमत करने वाली पार्टी के विदेश मंत्रालय को जाकर ये बोलना चाहिए, 7 साल छोड़ दो पाकिस्तान में किसान मोदी को हटाओ। देखिए इतनी मेच्योरिटी दिखाइए, अब हम आतंकवाद से लड़ पाएंगे। आप लोग की प्रॉब्लम डेविएट नहीं कर रहे, हर मुद्दे को डेविएट करके जी नहीं, हम डेविएट नहीं कर रहे। रक्षा मंत्री बोले जान बची लाखों पाए, वैसे आप भी करने लगे। सुनिए समस्या क्या है, इस सिचुएशन से टकराइए। देखिए माननीय, समस्या नहीं हल, समस्या जो है कि जिस दो मेज पे हम बैठे हैं, इस पूरी मेज को देखकर समाधान निकलेगा। आप इस टुकड़े को लेके कह रहे हैं और दूसरा हिस्से कह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक कंप्लीट टक्कर लीजिए, लड़िए जीतिए, हम आपके साथ हैं। नहीं, इसका लड़ना तो पड़ेगा ना, बोलना तो है ना। और आप नहीं बोला बॉम्बार्डिंग करिए पाकिस्तान में, बोलते हैं मोदी को हटाओ। अरे इतना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, एक महीना पहले की बात है माननीय, अभी की बात ऐसा लग रहा है पूरा साल सरकार घबराई हुई है, पाकिस्तान के नाम लेने से शर्म आ रही है, घबराहट हो रही है। पाकिस्तान का नाम आज इस पहले ऐसा नहीं होता। अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने सबूत दिए हैं पाकिस्तान के नशे को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यहाँ बात किया है, कहाँ पे शर्म की बात है, नाम नहीं लिया, पाकिस्तान से क्लियर कट बात हो रही है, पाकिस्तान को क्लियर कट दिया गया है कि आप एक्ट करके दिखाएंगे। मोदी जी, आपके रक्षा मंत्री, हम सब ने अपनी आंखों से देखा, आधे घंटे में एक बार भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हम पाकिस्तान को चर्चा ही नहीं। संजय जी, मैं अपनी बात कर लूं, आपको जो बोलना हो बोलिए। नाम पाकिस्तान का लेने भर से हम लोग लग रहा है कि तरह ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है, आपके प्रधानमंत्री जाके बोल दिए थे, हम ये तो नहीं बोल रहे ना, इसलिए वो विषय को छोड़िए। हमेशा कहता हूं कि आप लोग कभी भी किसी आज के मुद्दे पे डिबेट करो, उसको डिबेट करके आप बड़े खुश हो जाते हैं। हम आज के मुद्दे की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा दिया, बहुत अच्छा। हम आज के मुद्दे की बात कर रहे हैं, हुआ सो हुआ। आपके लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, आपने बोला था पाकिस्तान की आंखों में आंख डाल के बात करेंगे, प्रॉब्लम यही है, पाकिस्तान घुटने टेकेगा। हम क्या समाधान निकालना चाहिए बनिस्बत इस बहस को इस तरह से? हाँ, हमें ये लग रहा है कि क्या इस देश, हम आपने एक सवाल जो उठाया था, हमको लगता है उस आखिरी का जवाब हम आप ही से जाएंगे विक्रम सिंह जी। जी, 24 किलोमीटर हमारे सामने एक जटिल समस्या है और इस देश बहुत व्यापक है, सीमाएं खुली हुई हैं, जगह जगह से सेंध लग रही है, SP को लेकर NIA फिर से पूछताछ करने वाली है, सारे प्रॉब्लम्स के बाद वाकई प्रॉब्लम पॉलिटिकल है इस देश के भीतर, जिसके पास पॉलिटिकल विल की कमी है कि देश को सिक्योर लिया जाए या फिर सत्ता किसी तरीके से पानी है, इसलिए इमोशंस को जगा दिया जाए, ये स्थिति देश के भीतर है, इसलिए मुश्किल है। सेना के पास, पुलिस के पास यही मुश्किल आता आ रही है।
पुण्य प्रसून जी, समस्या का समाधान यह है कि हमारे पास पूरा सामर्थ्य है, फौज के पास भी, पुलिस के पास भी। इसके पहले भी ऐसी इससे भी विकराल समस्याएं थी, इनका समाधान है टेक्नोलॉजिकल, मैन पावर, ओरिएंटेशन और जिस तरीके से फिजिकल प्रोटेक्शन हम दे सकते थे दिया है और फिर करके दिखा सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट और कहीं पर कहीं विलंब ना हो उसके लिए जो आपको कोऑर्डिनेशन होता है, सबसे बड़ी चूक हमारी क्या थी, कोऑर्डिनेशन मिसिंग। जैसे स्टेल कॉफी है, सब कुछ मौजूद है लेकिन फ्लेवर नदारद है, यहाँ भी सब कुछ मौजूद है फ्लेवर नदारद है, क्योंकि हमारे कौन कोऑर्डिनेट करेगा, किसने आर्मी को जाकर के पेरीमीटर पे लगाना था, किसने कॉन्सर्टीना वायरिंग लगानी थी, बाकी सब व्यवस्था कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बड़े आसानी से संभव थी, पहले भी हो चुकी थी और आज भी। दुर्भाग्य ये है इतनी भारी कीमत देने के बाद भी हम लेसन्स आज भी ड्रॉ करने में असमर्थ हैं। हम मानकर चलें कि पठानकोट के बाद कोई दूसरा हमला नहीं होगा, हम ये मानकर चल सकते हैं, भरोसे से कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये कोई कहने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं, हम इस खतरनाक मोड़ पे हमला नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, ये कभी भी हो सकता है। गारंटी इस बात की होनी चाहिए सर कि आगे कोऑर्डिनेशन के अंदर के कोऑर्डिनेशन की बात छोड़िए सर, लेकिन ये बहुत ही, मैं कहना चाहता हूं इतने कम लोगों में भी ये भरोसा नहीं है भारत के अंदर के राजनीतिक, सामाजिक और पॉलिटिकल डील नहीं कर सकते, एकजुट होकर एक स्वर में बोलते हैं सभी देश के साथ भूमिका लेंगे, आप एक ब्रश से पाकिस्तान को डील नहीं कर सकते, उनके इतने एलिमेंट्स है, डाइवर्स एलिमेंट है, या आप हम इस मोड़ पे इस बात एलिमेंट के बजाय एक आदमी को डिपेंड कर रहे हैं। पठानकोट से जो भी लेसन्स निकले उस लेसन के बावजूद भी अब निर्णय लेने का वक्त है, और निर्णय लेकर सिर्फ सीमाओं को नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा और उसके साथ साथ डिप्लोमेसी को इस रूप में मजबूत करने की स्थिति लाने का भी वक्त आ गया है। एक चीज कहना, कह दीजिए, जब तक आप ऐसे नीति ना अपनाएं जिससे पाकिस्तान को कर्ज चुकाना पड़े, जिससे उसको कुछ सैक्रिफाइस देना पड़े, जिससे उन पर प्रेशर आए, जब तक वो नीति आप नहीं अपनाते और उस नीति अपनाने के लिए हिम्मत नहीं दिखाते, तो आप उनका सामना और आतंकवाद का सामना नहीं कर सकते। चोट पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया, हम चर्चा यहीं पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बसी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार,